हेलो सागर बेटा बोलो। हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका श्रीनिवास। तो आज मैं आपको एक काल्पनिक कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो कहानी एक लड़के के बारे में है जो गांव से शहर आया हुआ है अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। क्या वो इस शहर पे टिक पाएगा, आइए देखते हैं। अरे हरी उठ रे, मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, देख आएगा कि नहीं। ये हरी उठना कॉलेज के लिए टाइम हुआ, सिर्फ आधा घंटा बाकी है, ना करा ये 2 मिनट रुक भी वहां क्या भी आना सर भाई, क्या कॉलेज जाएंगे आज? ये मन नहीं छोड़ पे कॉलेज जाकर भी क्या करता है, तो बंक मारेंगे। बंक मारेंगे नहीं, तुझे एक बात बोलने का था। कल मेरे को 5000 रुपए दिए मुझे, उससे 21 शॉट 10,000 रुपए। वो 21 शॉट से 10,000 शॉट है। हाँ, मेरा एक दोस्त वेबसाइट बोला था, बहुत अच्छा वेबसाइट है, उसमें क्या रिस्क भी नहीं होता था। जैसे कि आपने देखा है कि हरि नाम का लड़का बुरी संगत में फंस चुका है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। अयो, इसमें बैलेंस ही नहीं है। यार ये भी चला गया, पापा को क्या बोलूं मैं, कॉलेज में फील भी बनना है। ये शर्त, ये बेटिंग, ये सत्ता, जब बड़े पैसों और बड़े मुद्दों के लिए खेला जाता है तो ये आसानी से पैसा कमाने का तरीका बन जाता है, या यूं ही कहूं तो लालच बन जाता है। हेलो, इज दिस हरी स्पेरेंट स्पीकिंग? हाँ, मैं हरी का पिताजी बोल रहा हूँ। सर, मैं हरी के कॉलेज से बात कर रहा हूँ। हरी का फीस पेंडिंग है सर। हाँ जी सर, हरी का फीस पेंडिंग है। कितना है? 30,000 है सर। मैंने हरी को 50,000 दिया था, तो उसने क्या कर दिया? 20,000 तो बाकी है सर। बोलो हरी बेटा, किधर हो?
बोलो पापा कॉलेज में हूँ। नहीं कल कॉलेज वालों का कॉल आया था कि अभी 30,000 देना बाकी है, मैंने तो तेरे को 50,000 दिया था ना। हाँ आज पापा टिको रुको मैं कॉल करूँगा तुमको, जल्दी रुको। हेलो भाई आपके साथ बात करना है। चल अंदर। हाँ बोल भाई क्या हुआ? भाई कल आप लोग मीटिंग के बारे में बात कर रहे थे ना। बोलो बोलो क्या हुआ, बात कर रहे थे? भाई मैं कल ट्राई कर चुका हूँ, थोड़े बहुत पैसे डूब गए उसमें। थोड़े बहुत मतलब लाइक कॉलेज का फीस भी डूब गए उसमें। उस गेम में तो आज भी चलते रहता है। नहीं भाई मुझे बहुत चाहिए कॉलेज फीस भरने, मुझे पढ़ने का है भाई, प्लीज हेल्प करो ना थोड़ा, प्लीज भाई प्लीज भाई। देखेंगे भाई प्लीज भाई। उसको लेकर आओ। भाई क्या हुआ? जैसे कि आपने देखा है बुरी संगत और जुए की वजह से हरी ने अपना जान गंवा दिया है, इसी तरह भारत में बहुत सारे युवा लोग अपना जान गंवा चुके हैं। क्या ये आखिरी घटना होगी या क्या ये लालच कभी खत्म होगा? अगले साल मुलाकात होगी दृश्य में।